लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने नई वीडियो और नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं लिनोवो का मोस्ट पॉपुलर लैपटॉप योगा स्लिम 7 प्रो। 11 जनरेशन में आता है लेकिन आज भी इसकी डिमांड बहुत बनी हुई है व्यूअर्स की डिमांड में। आज हम इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे, देखते हैं आज का लैपटॉप जो है लिनोवो स्लिम 7 प्रो। i5 कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, 11 जनरेशन में एज प्रोसेसर आता है, 16 GB रैम और 512 GB SSD। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। और जो दोस्त हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाले जितनी भी वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ओपन करते हैं लैपटॉप को। दोस्तों बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स निकला है, प्रीमियम लैपटॉप है लिनोवो का। अगर हम बात करेंगे इसकी तो ये अंदर पैकिंग भी बड़ी शानदार दी है लिनोवो ने, बहुत ही स्लीक लैपटॉप है, बहुत लाइट वेट मेटल बॉडी में ये लैपटॉप मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप के बॉक्स के अंदर क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं। बॉक्स के अंदर एक बॉक्स और आता है जिसके अंदर ये लैपटॉप है, एक प्रीमियम पावर कोर्ड, एक 65 वॉट का प्रीमियम टाइप सी पावर एडेप्टर। जी हाँ, टाइप सी काफी फास्ट चार्जिंग करता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा लैपटॉप की तो बहुत अच्छी मुझे लगती है। अगर आप स्लीक की बात करेंगे बहुत स्लीक लैपटॉप है जो लिनोवो ने बनाया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप हम एक हाथ से ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रीमियम लैपटॉप है काफी, एक हाथ से ओपन हो जाता है, बहुत कम लैपटॉप है जो एक हाथ से ओपन हो जाते हैं। और मैं इन लैपटॉप्स की खासियत बता दूं कि जैसे ही आप लैपटॉप्स को ओपन करते हैं, इनका लीड ओपन करते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाती है लैपटॉप्स की। ये मोस्टली लिनोवो के अधिकतर लैपटॉप्स में मिलता ही मिलता है। दोस्तों इस लैपटॉप में आपको 14 इंचेस का बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, ऑटोमेटिक बैकलिट है। जैसे ही आप अंधेरे में काम करेंगे इसकी कीबोर्ड की बैकलिट अपने आप ऑन हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं पोर्ट्स की। अगर हम लैपटॉप के लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा पावर बटन, लैपटॉप को ऑन ऑफ करने के लिए लिनोवो ने साइड में बटन दिया है। दूसरा है यूएसबी 3.2 डाटा ट्रांसफर के लिए या कुछ भी आप कनेक्ट करना चाहें तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पोर्ट हमें दे रखा है 3.5 mm का ऑडियो जैक स्पीकर या हेडफोन कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों बात करते हैं राइट साइड के अंदर, अगर हम देखेंगे सिर्फ आपको 2 पोर्ट्स दिखाई देंगे, दोनों ही टाइप सी पोर्ट है जिससे आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं और फास्ट डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले सीपीयू देखते हैं, सीपीयू इसमें हमारा आता है 11 जनरेशन इंटेल i5 11320H प्रोसेसर। बेस स्पीड है जिसकी 3.19 GHz, टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, बूस्टअप होकर 4.5 GHz तक ये इसकी स्पीड जाती है। फिजिकल कोर की बात करेंगे तो 4 फिजिकल कोर हैं और 8 लॉजिकल प्रोसेसर, जो थ्रेडिंग से बात करते हैं हाइपरथ्रेड, और L3 कैश है 8 MB की। इंटेल i5 है 10 नैनोमीटर के साथ आपको ये प्रोसेसर मिलता है। मेमोरी की बात करेंगे 16 GB की रैम है, 4267 MHz LPDDR4 इसमें रैम लगी हुई है। स्लॉट्स आपको दिखा रहा है 8 के 8 यूज्ड है। मैं आपको बता दूं इसमें ऑन बोर्ड रैम है जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। 16 GB रैम है, 8 स्लॉट दिखा रहा है, इसका मतलब 2 GB के इसके अंदर 8 चिप्स जो है वो ऑन बोर्ड लगी हुई है। SSD की बात करेंगे, सैमसंग की 512 GB की SSD है जिसकी कैपेसिटी आपको मिलती है 477 GB। वाईफाई आपको मिलता है Wi-Fi 6। अगर आपके पास जो राउटर है, अगर 5G राउटर है तो स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। GPU इंटेल आइरिस XE ग्राफिक्स आपको इसमें मिलता है और शेयर्ड ग्राफिक्स होता है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं होता ये 7.9 GB के साथ। इसमें मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही आइरिस ग्राफिक्स होता है, वो एटलीस्ट 2 RAM होनी चाहिए, इसमें ऑलरेडी चिप्स लगी हुई है तो इसलिए आइरिस XE ग्राफिक्स है। और जब हमने बात की थी प्रोसेसर की तो मैं इसमें एक बात और बता दूं, इसमें इंटेल ईवियो सर्टिफाइड प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके डिस्प्ले की।
14 इंचेस का आईपीएस डिस्प्ले आपको इस पे मिलता है 2.8K के साथ, जिसका रिजोल्यूशन मिलता है आपको 2880x1800, यानी 2880x1800 का आपको इसका रिजोल्यूशन मिलेगा। निट्स की बात करेंगे, 400 निट्स में आपको ये मिलता है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन है और इसकी जो खासियत है 100% sRGB आपको इसमें मिलता है और 90 हर्ट्ज की स्क्रीन है। बात करते हैं कैमरे की, 720p HDIR कैमरा आपको इसमें मिलता है TOF सेंसर के साथ। तो दोस्तों वक्त आ गया है लैपटॉप को फिजिकली ओपन करने का। इसका बैक पैनल ओपन करके देखते हैं इसमें कहां पे क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। दोस्तों देखते हैं इसके पार्ट्स। सबसे पहले आपको लैपटॉप खोलते ही दिखाई दिए होंगे इसमें दो फैन लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं इसमें एच प्रोसेसर है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे प्रोसेसर की तो उसमें था i5 11 जनरेशन एच प्रोसेसर। तो हमेशा एच प्रोसेसर में दो फैन आते हैं, चाहे वो लाइट वेट में हो, हाई परफॉर्मेंस होता है, हैवी वॉट होता है, हीट जनरेट करता है, हमेशा उसके लिए कोई भी कंपनी हो दो फैन यूज करती है। यहाँ हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, दोनों ही हीट सिंक से कनेक्टेड है फैन के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे वो है हमारी SSD लगी हुई है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। रैम आपको इसमें नहीं दिखाई देगी। रैम इसमें जो कवर लगा हुआ है उसके नीचे रैम है, ऑनबोर्ड रैम है, जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। यहाँ हमारी बैटरी है, 4 सेल की बैटरी है 61 वॉक आवर्स के साथ। यहाँ हमारे दो स्पीकर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर सिर्फ आप एक SSD ही अपग्रेड कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते। तो आज हमने अनबॉक्स किया लेनोवो का योगा स्लिम 7 प्रो, हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी। तो बात करते हैं यूसेज का। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं 14 इंच की स्क्रीन है, स्लिम लैपटॉप है, लाइट वेट है काफी, और अगर i5 11 जनरेशन है, अगर आप इसमें कोई भी वर्क करना चाहें सिर्फ 4K एडिटिंग या हार्डकोर गेमिंग्स, इनके अलावा आप कोई भी काम करना चाहे आप इस पे कर सकते हैं। आपने वर्ड एक्सेल हो, पावर पॉइंट, इंटरनेट हो, आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, या आपने हल्की फुल्की गेमिंग भी करनी है, हल्की फुल्की बहुत ज्यादा आप मत सोचिएगा कि बहुत हैवी गेमिंग्स हो जाएंगी जिसमें रिक्वायरमेंट होती है डेडिकेटेड ग्राफिक्स की, वो वाली गेम आप इसमें ओपन प्ले नहीं कर सकते, ना ही 3D Max वगैरह आप इस पे चला पाएंगे। बाकी आपने कोई भी काम करना हो इजीली हो जाएगा, लाइट वेट है। मैं रिकमेंड यही करूंगा, देखिए इसमें USB, जब हम हमारे प्रीमियम होते चले जाते हैं आज डेट में USB खत्म होते चले जाते हैं। अगर आप लैपटॉप परचेज कर रहे हो तो इसके साथ Type-C हब जरूर लीजिएगा, जिसके अंदर अलग अलग मल्टी पोर्ट्स होते हैं, लैन पोर्ट्स भी होते हैं और HDMI और USB भी होते हैं, जिससे आपको कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो मार्केट में इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 72,000 to 75,000 रहती है, आपको इजीली मार्केट में ये अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही इसकी वारंटीज जो आती है उसकी स्कीम्स लिनोवो अलग अलग देता रहता है। एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन भी, आप जब भी लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे तो आप वहां पे सेल्स पर्सन होगा उससे जरूर पूछिएगा कि एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन अगर हम लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। लाइट वेट है तो मैं ये जरूर कहूंगा इसकी एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन आप जरूर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको ये हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे ये कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन फ्यूचर हम जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप आएंगे हम उनकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके लिए लेके आते रहेंगे, और हर लैपटॉप को हम कोशिश करेंगे उसका बैक पैनल आपको ओपन करके दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।